फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि चाइना में जो हम कोरियर रिसीव करते हैं उसके बाद अगर उसको सेंड करना हो किसी को तो हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग मोबाइल में जो एक ऐप होता है कोरियर का, उसमें कोरियर हम लोग बुक करेंगे। हमारे जो कोरियर रखने का जो बॉक्स है वो पास में है, वहाँ पर हम लोग जो कोड है कोड स्कैन करेंगे और ये कोरियर रखेंगे। यहाँ पे मैं जैसे ही डिपॉजिट करूँगा अगले 8 घंटे में, यहाँ पर जो हमारे कोरियर स्टाफ हैं, जो इस कंपनी के स्टाफ होंगे, वो आएंगे और इसे लेके जाएंगे। तो मैं करता हूँ, आप देखिए। तो ये मेरा कोड है जो मैंने ऑनलाइन बुक किया था। अब मैं इस कोड को यहाँ पर एंटर करूँगा। यहाँ मैं कोरियर को भेजना चाहता हूँ तो क्लिक हियर। उसके बाद यहाँ पर मैं मेरा जो नंबर है उसको मैं एंटर करता हूँ, 7-3। ओके, नंबर एंटर होने के बाद ये मुझे पूछेगा कि कौन से बॉक्स में आपको डालना है। तो मैं ये सबसे जो छोटा बॉक्स है वो मैं चूज़ करूँगा, जो चीप भी है और मेरा कोरियर जा भी जाए चला भी जाएगा। तो मैं क्लिक करूँगा और यहाँ मुझे पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए हमारे पास जैसे चाइना में अली पे चलता है, तो मैं अली पे यूज़ करूँगा पे करने के लिए। अली पे यहाँ से मेरा 6 RMB डिडक्ट कर लेगा और ये पेमेंट मैं ऑनलाइन ही कर दूंगा इसे। तो मैं यहाँ से पेमेंट चूज़ करता हूँ अलीपे का, और अलीपे पे मैंने यहाँ पे पेमेंट किया और ये पेमेंट मैं कहीं से भी कर सकता हूँ, कार्ड से या फिर मेरे फैमिली मेंबर से। मैं फैमिली मेंबर से करूँगा और ये पेमेंट मैंने यहाँ पर कर दिया। ये अपने आप खुल जाता है और यहाँ पर मैं अपना कोरियर, जो मेरा कोरियर है जिसको मेरे को भेजना है, मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने कोरियर रख दिया, अब इसको मैं यहाँ बंद करूँगा। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे यहाँ पे ये मुझे पुलर कंटिन्यू, आप दूसरा कोरियर कर सकते हैं या फिर यहाँ पे ऑलरेडी फिनिश। तो मैं ऑलरेडी फिनिश पर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे पूरा ख़त्म हो चुका है प्रोसेस और जो मेरा कोरियर मैंने अभी यहाँ पर रखा है, ये कोरियर कल की डेट में कोरियर जो सप्लाई करता है वो आएगा और यहाँ से कोरियर लेके जाएगा और इसे इसकी जगह तक पहुँचा देगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो कोरियर है मैंने यहाँ पे रखा है, मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया लेकिन मैंने इसमें एड्रेस नहीं लिखा। तो हमें एड्रेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐप में जो आप ये बुक करते हैं कोरियर, कोरियर बुक करते टाइम ये आपको एड्रेस फिल करना होता है, अपना नंबर डिटेल सारा फिल करना होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जस्ट स्कैन करना है, कोड डालना है, पेमेंट करना है। बॉक्स यहाँ पर खुलेगा, जब बॉक्स यहाँ पर खुलेगा आपको कोरियर रखना है, उसके बाद बॉक्स बंद करना है, देन आपको यहाँ पर फिनिश कर देना है। अगर आप फिनिश नहीं भी करते तभी भी चलेगा, क्योंकि कोरियर ऑलरेडी सबमिट हो चुका है और कोई इसमें रिस्क नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या पता मैंने बंद किया ये बॉक्स, आपने बॉक्स बंद किया लेकिन ये बॉक्स क्या पता किसी ने खोल के आपका कोरियर ले लिया। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बॉक्स एक बार बंद होने के बाद खुलता नहीं है, नहीं खुलेगा। सिर्फ जो कोरियर सप्लायर है उसी के पास एक कोड होता है, वही खोल सकता है ये बॉक्स, और कोई भी नहीं खोल सकता। आपका कोरियर बहुत ही सेफ़ है। लेकिन बाई चांस क्या होता है कि कोई कोई है बंद करना भूल जाता है, 1% चांस है कि कोई बंद करना भूल गया तो उसका कोरियर मिस भी हो सकता है। लेकिन इस चीज़ को भी ट्रैक कर सकते हैं हम। दोनों तरफ कैमरे लगे हैं, एक कैमरा इधर लगा है देख रहे हैं आप, और दूसरा कैमरा डायरेक्ट अपोजिट साइड में लगा यहाँ पर। तो ये जो कोरियर है, कोरियर का जो बॉक्स है सबमिट करने का, बहुत ही सेफ है, बहुत ही कन्वीनियंट है सबके लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं लेकिन एज अ फॉरनर मुझे लगता है ये बहुत ही कन्वीनियंट है। आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल फंडा है, ऐप इंस्टॉल करें, बुक करें, आपको जहाँ भी कोरियर करना है पूरे चाइना में आप कर सकते हैं बहुत ही सिंपली। पेमेंट भी डायरेक्टली उसके पास चला जाता है, आपको कोई कैश नहीं डिपॉजिट करना है इसमें, कुछ नहीं। सो सारा ऑनलाइन है और बहुत ही सेफ है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि ये सिर्फ मुझे यहीं पे चाइना में दिखाया, इंडिया में मैंने अभी तक देखा नहीं है प्रोसेस, इंडिया में भी जल्दी आ जाएगा होपफुली इन फ्यूचर। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, जस्ट मैं आपको शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा था। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। बाय।